जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरु पे। आज हम आपको बताने वाले हैं कि हरियाणा में वो कौन कौन से टॉप कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं जो कि लॉ के कोर्सेज करवाते हैं। अगर आपको अपकमिंग सेशन के अंदर BA LLB, BBA LLB, LLM या फिर 3 ईयर्स LLB का कोर्स करना है तो कौन कौन से बेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं आपके लिए, तो पूरी लिस्ट लेकर हम आपके पास में आ गए हैं। BCI की लिस्ट में फर्स्ट नंबर पर आती है अंसल यूनिवर्सिटी गुड़गांव। ये गुड़गांव की स्थित एक स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, BCI के द्वारा अप्रूव्ड है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। सेकंड नंबर पर दी हुई है अमेठी यूनिवर्सिटी, ये गुड़गांव की एक स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। आप सभी इस यूनिवर्सिटी का नाम जानते होंगे, लेकिन अगर कॉस्ट की बात करें तो इसमें कोर्स काफी ज्यादा महंगे हैं एज कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज एंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज। देन फिर थर्ड नंबर पर आती है APJ सत्या यूनिवर्सिटी, ये भी गुड़गांव में स्थित है जो कि LLB के रिगार्डिंग कोर्सेज करवाती है। देन फिर फोर्थ नंबर पर आती है बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी रोहतक, ये भी एक स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि लॉ के कोर्सेज करवाती है। फिफ्थ नंबर पर पड़ती है माय फ्रेंड्स BML मुंजाल यूनिवर्सिटी, ये भी गुड़गांव में स्थित है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा ये यूनिवर्सिटी भी अप्रूव्ड है। देन फिर सिक्स नंबर पर आता है BPS महिला विश्वविद्यालय। सेवन्थ नंबर पर आती है चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी जो कि भिवानी में स्थित है। देन फिर एट नंबर पर आती है चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी जो कि सिरसा में स्थित है। इनके अफिलेट कॉलेजेस के सामने दिए हुए हैं जो कि काफी रीजनेबल फीस के अंदर आपका एडमिशन करवाते हैं। देन फिर नाइन्थ नंबर पर आती है GD गोयनका यूनिवर्सिटी जो कि गुड़गांव में स्थित है, ये एक स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। देन फिर 10th नंबर पर आती है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार, ये हिसार की एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। अगर आपका इसमें भी एडमिशन होता है तो आपको आपकी LLB काफी रीजनेबल रेट में पड़ती है, रीजनेबल फीस में पड़ती है। देन फिर आती है 11th नंबर पर IIM यूनिवर्सिटी, ये गुड़गांव की एक यूनिवर्सिटी है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, गुड़गांव की एक स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। देन फिर 12th नंबर पर आती है इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर, ये रेवाड़ी की एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इसमें भी अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको फीस काफी रीजनेबल पड़ती है। देन फिर 13 नंबर पर आती है जगन्नाथ यूनिवर्सिटी झज्जर। 14 नंबर पर आती है KR मंगलम यूनिवर्सिटी गुड़गांव, ये गुड़गांव की एक स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। देन फिर 15 नंबर पर आती है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो कि एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, हरियाणा की काफी पुरानी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में से एक है। अगर आपका इसमें एडमिशन हो जाता है तो दी बेस्ट रहता है बिकॉज इसकी फीस भी काफी रीजनेबल होती है। देन फिर 16 नंबर पर आती है लिंग्यास विद्यापीठ जो कि एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं, ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। देन फिर 17 नंबर पर आती है MDU रोहतक, इसके अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं आप उनके अंदर एडमिशन ले सकते हैं, ये BCI की ओल्ड लिस्ट है, जितने भी कॉलेज हैं आपको वो चेक करने हैं। हो सकता है कि कुछ कॉलेज गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के अंडर आ गए हो, लेकिन कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, यूनिवर्सिटी ये भी स्टेट गवर्नमेंट है, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी भी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, किसी में भी एडमिशन हो जाता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन फिर 18 नंबर पर आती है MMU, ये अंबाला की एक यूनिवर्सिटी है, इसकी रैंकिंग काफी अच्छी है, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। देन फिर 19 नंबर पर आती है मानव रचना यूनिवर्सिटी फरीदाबाद, इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। 20 नंबर पर आती है MBN यूनिवर्सिटी, ये पलवल में स्थित है, एक स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। 21st नंबर पर आती है NIIM यूनिवर्सिटी, इसके बारे में हम पहले भी एक वीडियो आपके लिए सेपरेट बना चुके हैं, ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, एक स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। देन फिर 22nd नंबर पर आती है ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी हिसार, ये हिसार की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। देन फिर 23rd नंबर पर आती है OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ये सोनीपत में स्थित है। देन फिर 24th नंबर पर आती है PDM यूनिवर्सिटी जो कि बहादुरगढ़ में स्थित है, ये दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर स्थित एक यूनिवर्सिटी है, काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है। जिन स्टूडेंट्स के दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पाते हैं, जो दिल्ली के क्लोज हैं, वो इस यूनिवर्सिटी को काफी प्रेफर कर सकते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी है। देन फिर 25th नंबर पर आती है SGT यूनिवर्सिटी जो कि गुड़गांव में स्थित एक यूनिवर्सिटी है, एक स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, काफी सारे अप्रूवल्स हैं इस यूनिवर्सिटी के पास में, काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। देन फिर 26th नंबर पर आती है SRM यूनिवर्सिटी सोनीपत। 27th नंबर पर आती है स्टारिक्स यूनिवर्सिटी गुड़गांव जो कि एक स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। 28th नंबर पर आती है दी नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी जिसको पहले ITM यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था, ये गुड़गांव में स्थित एक यूनिवर्सिटी है।
29 नंबर पर आती है एनएलयू, जो कि एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इसमें क्लैट के थ्रू एडमिशन होता है। देन फिर 30 नंबर पर आती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, जो कि महेंद्रगढ़ में स्थित है। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अगर इसमें आपका एडमिशन हो जाता है तो भी काफी अच्छा रहेगा, बट ये ओनली 3 ईयर्स एलएलबी कोर्स करवाती है, बीए एलएलबी का कोर्स इस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल नहीं है। देन फिर आती है गुरुग्राम यूनिवर्सिटी। जैसा कि आपको पता है कि गुरुग्राम के अंदर अपनी खुद की एक यूनिवर्सिटी ओपन हो चुकी है, जो एमडीयू के कॉलेज थे वो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के अंदर जा चुके हैं, इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 32 नंबर पर आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो कि रोहतक में स्थित है, इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सभी टॉप रेकोगनाइज इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी हरियाणा के अंदर रेकोगनाइज इंस्टीट्यूट हैं, जो कि बी एल एल बी, बी बी एल एल बी या फिर एल एल बी या फिर एल एल एम के कोर्सेज करवाते हैं। तो ये सभी टॉप यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं, जो कि पूरी एक लिस्ट हमने आपको बताई है। अब अगर इसमें टॉप कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपको छांटने हैं तो आप हरियाणा के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, जैसे कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, एमडीयू में, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के अंदर, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर, एनएलयू सोनीपत के अंदर, जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं इनमें आप एडमिशन ले सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, काफी अच्छा ऑप्शन रहता है आपके लिए। बात करते हैं स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की, तो जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी काफी अच्छी है, अमेठी यूनिवर्सिटी अच्छी है, एसजीटी यूनिवर्सिटी भी अच्छी है। ये जितने भी इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज हमने आपको बताई हैं सभी यूजीसी और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव्ड हैं। आशा करता हूं कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के अपडेट्स टाइमली लेकर हम आपके पास में आते रहते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।